ओके तो और मेरे भाई लोग कैसे हो तुम? फिर से रह चुको आप लोगों के लिए बीजीएमआई की और भी एक कमाल के लेकर। सबसे पहले तो भाई आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, ये साल भाई आप लोगों का बहुत ही अच्छा जाए। बाकी बात कर लेते हैं इस वाले वीडियो के बारे में। इस वाले वीडियो में मैं भाई लोग आप लोगों को एक ऐसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताऊंगा जो कि भाई हर बीजीएमआई प्लेयर के साथ होता है। और आप लोगों को तो भाई सब ये चीज पता हो ही गया होगा कि किस टॉपिक पे वीडियो होने वाला है। भाई ये वाला वीडियो होने वाला है एम चॉक के ऊपर, क्लोज रेंज में बुलेट रजिस्टर ना होना, उसके बाद भाई सब एम ट्रांसफर ना होना, इन सबको बोलते हैं भाई एम चॉक। तो इस चीज का सोल्यूशन भाई लोग मैं आप लोगों को आज बताऊंगा, साथ ही साथ ये चीज क्यों होता है और साथ ही साथ भाई कुछ ड्रिल वैल्यू मैं आप लोगों को बताऊंगा जिनको भाई आप लोगों को हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है। इस वीडियो में आप लोगों को 1.5 के लिए कंप्लीट करवा देना है, ठीक है? मुझे पता है आप लोग करवा दोगे, करवा देना। तो सबसे पहले भाई हम देख लेंगे यहाँ पे कुछ सेटिंग, ठीक है? अगर सेटिंग आपका सही नहीं है ना, तब भाई कुछ भी सही नहीं है। अब भाई काफी सारे बंदे कुछ इस तरीके से दो दो फायर बटन का यूज करते हैं गेम में। अब पहले फायर बटन में सीन क्या है, अगर भाई फायर बटन में उंगली रख के भाई उंगली इधर उधर करते हो ना, तब भाई आपका एम इधर उधर नहीं होगा। दूसरे का सीन क्या है, अगर भाई आप इस पे टच करके आपका उंगली अगर थोड़ा सा भी इधर उधर करता है, ठीक है, तब भाई आपका यहाँ पे पूरी तरीके से भाई एम चॉक हो जाएगा। तो इसकी वजह से भी भाई कभी कभार आपका एम चॉक हो जाता है। कस्टमाइज सेटिंग पे आप लोगों को चले जाना है एंड उस वाले बटन को आप लोगों को सिलेक्ट करना है, साथ ही साथ उसको भाई कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को हाइड एंड डिसेबल कर देना है। अब भाई सब पॉइंट नंबर टू फोन होल्डिंग। यहाँ पे भाई सब जब मैं फोन होल्डिंग की बात कर ही रहा हूँ तब यहाँ पे एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं। अब यहाँ पे देख सकते हो मैं हिप फायर दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा जो थंब है, जो अंगूठा है, वो भाई देख सकते हो स्क्रीन पे। तो अगर भाई साहब आप एक जायरो प्लेयर हो तब ये वाला गलती आप लोगों को कभी भी करना नहीं है। अगर भाई साहब आप एक जायरो प्लेयर हो तब भाई जायरो के साथ साथ आप लोगों को कभी भी थंब का यूज करना नहीं है। ऐसा मैं खुद पहले करता था और भाई इतना ज्यादा मेरा एम चॉक होता था ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। उसके बाद भाई साहब एक और चीज मैं आप लोगों को बताया, तो आप सबसे पहले देखो मैं भाई कुछ इस तरीके से फोन को होल्ड करके खेलने वाला हूँ, ठीक है? आप मेरा हेडफोन का पिन कहाँ पे है आप भाई यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं भाई फोन का जैक घुसाता हूँ तब भाई यहाँ पे आप देख सकते हो मैं भाई यहाँ पे पूरी तरीके से अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा। अब भाई सब काफी सारे बंदे ऐसे होते हैं जिनको भाई इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? वो मतलब उसको जिस तरीके से फोन मिलता है भाई वो उसी तरीके से फोन को पकड़ के खेल लेते हैं और इस चीज की वजह से भी भाई हमारा एम चॉक होता है। तो इसीलिए भाई आप लोगों को क्या करना है, कुछ इस तरीके से भाई फोन को घुमा के खेलना है, ठीक है? ताकि भाई आपको कंफर्टेबल लगे। जब तक भाई सब फोन में उंगली का ग्रिप अच्छी तरीके से नहीं बनेगा ना, तब तक भाई आपका गेम प्ले सही नहीं होगा। आजकल भाई सब काफी सारे गेमिंग फोन में आपने देखा होगा कि उनका जो चार्जिंग स्लॉट है ना वो भाई कुछ मतलब इस वाला लोकेशन में रहता है, तो उनको भाई साहब कोई भी दिक्कत नहीं होता। लेकिन जो सस्ता फोन यूज करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, उनका भाई चार्जिंग स्लॉट रहता है यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से भाई चार्जर लगाने के बाद भी भाई काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। तो इस चीज को भाई आप लोगों को हमेशा अवॉइड करना है, ठीक है? हमेशा भाई लोग आप लोगों को फोन को फुल चार्ज करना है, उसके बाद ही भाई आप लोगों को खेलना स्टार्ट करना है। अब भाई साहब कुछ कुछ चीजें तो है जिनको भाई लोग मैंने आप लोगों को बता दिया जिसकी वजह से भाई आपका एम चॉक होता है, लेकिन भाई साहब जो मेन चीज है वो चीज मैंने भाई लोग आप लोगों को अभी भी नहीं बताया। वो चीज होने वाला है भाई साहब ड्रिल प्रैक्टिस। और भाई प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है ना भाई, आप अगर इस चीज को अवॉइड करते हो ना भाई, आप जितना मर्जी उतना सेटिंग क्यों ना कर लो, जितना मर्जी उतना भाई साहब अच्छी तरीके से फोन को क्यों ना पकड़ लो, ठीक है, आपका भाई कुछ भी नहीं हो सकता। अब भाई सबसे पहले आप भाई इस वाले क्लिप को देखो, यहाँ पे सबसे पहला शॉट मैंने भाई यहाँ पे कनेक्ट किया बंदे को, ठीक है, और बंदा जिगल मारते हुए चला गया राइट की तरफ। मैंने भाई एम को ट्रांसफर किया राइट की तरफ, बंदा आ गया भाई लेफ्ट की तरफ, फिर से भाई बंदा राइट की तरफ आके भाई बहुत ज्यादा इजिली तरीके से भाई मेरे को यहाँ पे फिनिश कर दिया। अब ऐसा नहीं कि भाई मैंने यहाँ पे एम ट्रांसफर नहीं किया, ठीक है, एम तो ट्रांसफर मैंने किया था, लेकिन भाई मैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्लो था। उसके लिए इन तीनों टारगेट को भाई साहब आपको चूज कर लेना है। उसके बाद भाई कुछ इस तरीके से एक टारगेट से दूसरे टारगेट पे भाई आप लोगों को इस तरीके से भाई एम को ट्रांसफर करना है फायर करते हुए। अब पहली बारी भाई इस चीज को आप स्लो स्लो में करोगे, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे भाई इस चीज को आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना, आपका भाई एम ट्रांसफर काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगा। आपको भाई इस चीज को इतना ज्यादा फास्ट करना है कि सामने वाला बंदा जितना मर्जी उतना भाई अनएक्सपेक्टेड जिगल दे दे, भाई बंदे के साथ साथ ही भाई आपका क्रॉसियर जाना चाहिए। अगर भाई साहब आप इस चीज में मास्टर बन जाते हो ना, ठीक है, सामने वाला बंदा जितना मर्जी उतना अनएक्सपेक्टेड जिगल क्यों ना दे दे, भाई साहब आप भाई बंदे का जो जिगर है ना उसको भाई पूरी तरीके से रीड कर लोगे और आपका क्रॉसियर भाई बंदे के बॉडी के साथ साथ ही दौड़ेगा। बाकी देखो भाई साहब एम चॉक तो सभी बंदों का होता है, ठीक है, बड़े बड़े प्लेयर का भी होता है, तो हम लोग भाई क्या चीज है, और जितना आप सुधार सकते हो भाई इन सब चीजों से सुधार सकते हो। बाकी यही था भाई आज की छोटे सी वीडियो में, कैसे लगी भाई लोग आप लोगों को वीडियो प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना। और आज की वीडियो भाई साहब मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बना दिया क्योंकि भाई इधर थोड़ा सा पिकनिक वगैरह है, ठीक है, तो मेरे को जाना है। और हाँ कमेंट में भाई साहब सारे भाई मिलकर हैप्पी न्यू ईयर जरूर से स्पैम कर देना। बाकी इसी तरीके से भाई साहब और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ जो भी बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑल पे कर देना, ठीक है? तो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।